लड़की का बात नहीं पढ़ाते थे, केवल कैसे पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ यही पढ़ाए सकते हो। इसलिए उनको कहते हैं वो सार और बंधन हेतु, जो भगवान की भक्ति की पढ़ाई से नहीं करवाते, केवल कैसे पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, स्कूल में क्या होता था, केवल केवल पैसा 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 और कुछ नहीं, पैसा कमाओ। बाद में कहते हैं पिताजी आकर के मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोले हमारा बेटा बात नहीं सुनता, बातें नहीं सुनता है मेरे बेटा, और जब से शादी हुआ तेरे बात एकदम नहीं सुनता, पहले तो थोड़ी थोड़ी नहीं सुनता था, अभी तो एकदम बात नहीं सुनता। इसलिए हमने कहा अपने बच्चों को जिंदगी भर क्या सिखाया है, अपने स्कूल में भेजते केवल केवल पैसा केवल पैसा केवल पैसा, यही सीखा है ना, पैसा कमा रहा है ना। आपने तो कभी ये बोला है कि रामायण पढ़ो आगे बोलते पढ़ो गीता पढ़ो, कभी तो आप बच्चा है तो बच्चों का तेरे संस्कार कहाँ से पड़ेगी, केवल पैसा 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 कमाया, उसका तेरे कोई संस्कार नहीं पड़ा, संस्कार नहीं पड़ा तो मेरी बात सुनिए। अगर बोलता कभी तो रामायण पढ़, रामायण में लिखा हुआ है भगवान राम कैसे सवेरे उठ कर पिता माता का चरण कैसे छूटे, तभी तो उसको शिक्षा मिलता, तुम तो ये बात पढ़े हैं केवल पैसा केवल पैसा कमा पैसा कमा पैसा, वो तो पैसा कमा नहीं बात भी सुनेगा, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए केवल पैसा 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 कमाने का पिछले नहीं बच्चों को बढ़ानी चाहिए, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, बाद में तुम्हारी बात एकदम नहीं सुनेगा, नेगलेक्ट करेगा, अनादर करेगा, घर से निकाल करेगा, संबंध वबंध ले लगा। ये सही बात है, मैंने हम नोएडा में कथा करने गए थे, आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। दो बेटे विदेश में रहते, दो बेटे विदेश में पैसा कमा रहे हैं, इधर उनका अच्छा कोई प्रॉपर्टी था, बढ़िया मकान था, उन्होंने क्या कि दोनों बच्चे पता नहीं क्या प्लानिंग करके आए आए प्लानिंग करके आए, पिता माता पूर्णा का लेकर इतने लिखे पढ़े नहीं, लेकिन उनका अच्छा प्रॉपर्टी था, आप बच्चों को बढ़िया पढ़ाई दिया, पता नहीं दोनों बच्चे की आप प्लानिंग करके आए, बोले पिताजी यहाँ रहकर क्या करोगे, हम दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, हमारे साथ में विदेश में चले, आइए प्रॉपर्टी को बेच दो, कितना करोड़ रुपया हमें बेच दिया प्रॉपर्टी को, बेच करके बोले चलो तुम्हारे लिए हमने टिकट बनाया विदेश में चले जाए, पिता माता उनके साथ में गए जा करके एयरपोर्ट में, पिता माता बोले बाहर खड़े हो, सही घटना नोएडा की घटना, बोले आप बाहर खड़े हो, मैं हम दोनों जा रहे हैं ट्रॉली ला करके आपको दोनों दिए, पिता माता खड़े हो एयरपोर्ट, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, चार घंटा हो गया, कोई पता है लाभ बताए, एकदम लाभ बताए, भैया दोनों बेटे कहाँ गए, बेटे लाभ बताए तो पता, मतलब दोनों बेटे पैसा मिल गया ना, वो दोनों पैसा लेकर विदेश भाग गए और पिता माता को मेन रोड में छोड़कर चले गए। फिर लोग मुझे पता चला मैं उनको ओल्ड हाउस में नोएडा में एक ओल्ड हाउस वहाँ पर पिता माता को इंसर्ट आए थे। अगर हम बच्चे को केवल पैसा 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 सिखाएंगे ना, तुम्हारी नतीजा सही होगा कुछ नहीं, लास्ट में तुम निगलेक्ट करेंगे, आदर नहीं करेंगे, एकदम तुमको छुटकार देंगे। इसलिए केवल पैसा कमाना सिखाओ अच्छी बात है, उसको साथ में भक्ति की इच्छा सिखाओ, अगर बच्चों के अंदर में भक्ति की संस्कार आएगा ना, सोचेगा ना नहीं पिता माता हमें जन्म दिया लालन पालन किया पढ़ा किया है, हमारा कर्तव्य पिता माता की सेवा है, क्योंकि संस्कार पड़ा उसके अंदर में भक्ति की संस्कार पड़ा, फिर आपको सेवा करना, नहीं तो सेवा नहीं करेगा बच्चा। और पहले पहले लोग तो श्रवण कुमार का नाम सुनते थे, कैसे श्रवण कुमार पिता माता को कंधे पर लेकर सारा दुनिया उन्होंने हमको कैसे तीर्थ यात्रा में है ना, श्रवण कुमार ने कैसे, ध्रुव कैसे किया, प्रहलाद कैसे किया, वाल्मीकि कैसे किया, पहले ये सब स्कूल में पढ़ाई होती थी सब चीज, इसलिए बच्चों के अंदर में अच्छे अच्छे संस्कार करता था, सोचते थे पिता माता की सेवा करना हमारी पहला कर्तव्य, हमें जन्म दिया है ना, इसलिए भक्ति को साथ में पढ़ाई को साथ में कभी कभी करनी चाहिए, केवल पैसा 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 ठोकर मारेगा तुम्हें, उसका फल तुम्हें भोग करना पड़ेगा और कोई नहीं भोगेगा, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं हम लोग जब यहाँ चले जाए ना, हम चाहते हैं एक कमिटी यहाँ हमारे लिए है,
हमारे एक प्रभु जी है, बहुत अच्छे प्रभु जी है, वो उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं, वो अच्छा हर जगह पर जाकर कमेटी बनाते हैं, बड़े सिस्टमेटिकल बनाते हैं, और जैसे बीच बीच में कोई साधु यहाँ पर आए, महीना में एक बार सब एकत्रित हो, कथा सुनाए, और धीरे धीरे एक दूसरे को तीसरे को उसके संस्कार डाले, संस्कार डाले, और सबके सब भगवान की भक्ति करे, चुने हमारे भाव में, ठीक है। कल हमने क्लास किया, अब कई साल क्लास है, कल कौन कौन था, है ना, इसलिए भजन से, ठीक है ना, पत्नी बीवी को लाए हो, नहीं नहीं लाना चाहिए, बच्चों को भी लाना चाहिए, इसलिए आप लोग अच्छे तरह से सुन रहे हैं। हाँ ये बताओ, हम जीवन में हैं क्या, हमने प्रश्न क्या किया था क्या प्रश्न किया था हम, हम जीवन में तो सुख चाहते ही, लेकिन ये सुख नहीं मिलता है, दुख क्यों मिलता है। भैया आप आ गया, आप इधर आओ, पीछे मत बैठना, क्योंकि आप लोग बाद में ना फिर आप लोग इसको आगे बढ़ाओ, प्रचार करोगे आप लोग, आप प्रचार करोगे, इसलिए आप बताओ फिर हम सुख तो चाहते हैं, फिर दुख क्यों मिलता है। हम दुख नहीं चाहते पर भी हम चाहते हैं सुख, लेकिन मिलता है दुख क्यों मिलता है। मैंने जो बताया था वो मैं तब नहीं था, आप तुम बात बोलो, ठीक है, और कौन कौन बोलेगा बोलो। हम चाहते हैं दुख, लेकिन दुख नहीं मिल करके हम सुख, सुख नहीं मिल करके हम दुख नहीं मिलता, क्यों बोल बता माता है। हम लोग बैठ कर कथा सुनने चाहिए ना, एक एक मन से कथा सुनने चाहिए, लिखे बैठे तो बहुत हमने सीखे, लेकिन ये चीज को माला रख दो, माला रख करके लिखो, माला बहुत प्यारी है, इसलिए कथा सुनो ठीक से, जब कथा होती है ना वहाँ पर कथा अच्छे तरह से, भागवत कथा जो सामने बैठ तो अच्छे तरह से कथा सुननी चाहिए, ठीक है ना, सारे काम को छोड़ के कथा ठीक से सुननी चाहिए। हम चाहते हैं एक नोटबुक लो, मैं जितनी कहानी सुनाता हूँ अच्छी अच्छी कहानी बीच बीच में कथा को आपको लिख कर रखनी चाहिए, आपको जो अड़ोसी पड़ोसी को कथा सुनानी चाहिए, 7 दिन में ऐसे, मतलब इसमें कम से कम हमें कुछ ऐसी सीखनी चाहिए, जैसे हम इतने सीख ले हम दूसरों को जैसे सुना सकते। मैंने कितने कितने अच्छे अच्छे मैंने कहानी सुना, अगर ये छोटी छोटी मोटी कहानी सीखते हैं ना, फिर तो आप किसी को भी कथा सुना सकते हो, नहीं तो दुनिया में बैठे क्या करे, अरे बेटा क्या कर रहा था, बेटी क्या कर रही थी, कितने कमा रहे हो, हमारे घर में क्या हो, सब दुनिया की बात, उल्टा पुलटा दुनिया की उल्टा पुलटा चर्चा करे। महाप्रभु कहते हैं जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण ऊपर दस, जिसको देखो भगवान की बात बताओ, कितने हरिनाम दिया भक्ति करता के हैं, भगवान की भक्ति करो उसमें शांति सुख मिले है। इसलिए लोगों को दुनिया की बात एकदम छोड़ देना, छोड़ करके भगवान की बात करने देखो। हम अगर एक व्यक्ति को प्रभु का भजन में अगर लगाते हैं, कोई बोलेगा तू तो भजन भजन ही बात करते, और दुनिया की तब उस तरह बात करो, तू तो भजन भजन जब देखो माला कितना किया, भक्ति कितना किया, भजन करा, दुनिया 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 बात करते, कोई बोलता है, अरे दुनिया खोलते इधर उधर तक बात करो। हाँ देखो अच्छे तरह से सुनो, छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी भी याद कर लेना, ठीक है, अभी एकदम अच्छे तरह से सुनो और अच्छे तरह से याद रखो, ये चीज को अच्छे तरह से याद रखना स्टोरी। एक समय एक पिताजी उसको बच्चे को लेकर के मेला देखने के लिए, सब अच्छे तरह से याद करो, ठीक से बैठ गए, मेरे भाभी कहाँ थे, मेरे पत्नी कहाँ थी, बैठ कर कथा सुनो और दूसरों को प्रचार करना, ऐसे नहीं खाली दिमाग में यहाँ बैठिए, इसलिए एकदम बढ़िया से सुनो। इसलिए एक पिताजी एक बच्चे को लेकर के, तुम भी सारे याद रखना और बात में संभाल, इसलिए कहते पिताजी इसको बच्चे को लेकर मेला देखने के लिए, अब मेला में बड़े टहल चल था, अभी बच्चा छोटा है, पिताजी का हाथ पकड़ करके घूम रहा था, पिताजी को देखो बोलते है ना, क्या बोलते हो झूला है, देखो कैसे झूल रहे हैं, कहीं ड्रामा कहीं थिएटर कहीं नाटक कहीं दुकान, उसको दिखा रहा था, उसको दिखा रहा था वो बच्चा, अल एवरीथिंग विल नोट्स, ओके हरे कृष्ण। इसलिए अभी वो बच्चा बड़ा आनंद देख रहा था, देखते देखते हटात क्या हुआ, आवेश में आकर के
पिताजी के हाथ से बच्चे का हाथ अलग हो गया, अलग हो गया तो थोड़ी देर बाद में देखा पिता अलग और बेटा अलग, छोटा बच्चा बड़ा टाल चलता। अभी बच्चा तो बड़ी जोर जोर से रो रहा है, मेरे पापा जी कहाँ गए, मेरे पिताजी कहाँ गए, जोर जोर से रो रहा था। अभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, बोले भैया क्या हो गया, बोले छोटा बच्चा इसका कहीं पिता खो गया है, उसको कोई थोड़ी मिठाई दे देते थे, वो थोड़ी समय के लिए मिठाई खा कर चुप हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर रोना शुरू कर दिया, फिर पिताजी की, फिर दूसरे व्यक्ति ने कोई खिलौना दे दिया, वो थोड़ी समय के लिए खिलौना पा करके खुश हो गया, फिर थोड़ी देर बाद में फिर वही रोना शुरू कर दिया, किसी ने आकर उसको कोई थोड़ी लजेंस दे दिया, वो थोड़ी सी पा कर खा करके थोड़ी फिर थोड़ी देर बाद में फिर रो, फिर पिताजी ना, फिर पिताजी ना। उसमें कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने देखा जब तक उसको पिताजी को साथ में उसको मिलाया नहीं दिया ना, भले ही उसको जितना दो उसका मन खुश नहीं होगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। अगर उसको पिताजी उसको साथ में मिला दो ना, फिर वो खुश हो जाएगा। उसको पिताजी को ढूंढो, वो मेला में उसको पिताजी को ढूंढा, सचमुच से थोड़ी दूर में जाकर के देखा एक व्यक्ति पागल होकर कि मेरे बेटा मेरा बेटा इतना है, इतना गाली इसमें इतना लोग है, मेरे बेटा कहाँ बेटा कहाँ। बोले मैं वहां पर देखा कि छोटा बेटा रो रहा था, बोले कहाँ देखा, बोले अमुक जगह पर देखा, बोले मेरे को ले चलो, उसको लेकर गए, बोली तेरे बेटा, बोला ही मेरे बेटा बेटा, बोली तेरे पिताजी, बोला पिताजी। जब पिताजी का हाथ में बेटे को बेटा का हाथ पिताजी का हाथ पकड़ दिया, फिर बच्चा अपने आप खुश हो गया, बच्चा अपने आप उसको किसी चीज का तरीका जरूर ये चीज को समझे। इसका मतलब है दुनिया में कोई थोड़ा कपड़ा दे दिया या कपड़ा से उसको थोड़ी दूर हो जाएगी, कुछ दिन फट जाएगी, थोड़ा खाना दे दिया, थोड़ी देर बाद में दो घंटा फिर भूख लगने लग जाएगी, है फिर भूख लगने लग जाएगी, कोई थोड़ी सी उसको मिठाई दे दिया कैसे पेट भर जाएगी, फिर उसको भूख लगेगी, दूर फिर भूख लगेगी। हाँ जैसे बच्चे को जिसने जिसने उसको पिताजी को साथ में बच्चे को मिला दिया और मिल गया तो उसको सारे हाले खत्म हो, पिताजी अर्थात संपत्ति जमा ली, सब कुछ उसको मिल गया, उसको सब कुछ उसको मिल गया है। फिर उसी तरह हम भी संसार में एक दुख के बाद में एक एक दुख के बाद में एक एक दुख के बाद में एक, किसने ये दे दिया किसने ये दे दिया किसने दिया, लेकिन उसमें हमारी समस्या हल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो मूल पिता कौन है, भगवान है, ठाकुर जी हमारे मूल पिता है। जब तक हम मूल पिता जी को साथ में नहीं मिलते हो, ये दुनिया में जो कुछ प्राप्त कर लो तुम्हें शांति सुख नहीं मिलेगा। रावण को नहीं मिला, हम सोचते सब ज्यादा पैसा 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 कमा लेना सुखी हो जाए, रावण सुखी था, हमारे पास में कितना सोना होगा, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो ज्यादा कैसे होगा। रावण का जो लंका पूरा ही लंका ही सोना ही सोना, तुम्हें कितने सुंदर स्त्री मिल जाएगी। रावण का पत्नी का नाम मंदोदरी, मंदोदरी मतलब जानते हो, मंद मतलब होता है पत्नी, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर इतनी सुंदर, क्यों विश्वकर्मा की बेटी, उसने सारे विश्वकर्मा ने सारे अच्छे अच्छे गुण को दे देकर उसको बनाया, इतने सुंदर है उसकी पत्नी, मेघनाथ जैसे बच्चे कभी उसको चैन नहीं मिली, शांति में नहीं रखा, दुखी दुखी पर सीता को उठा रही है, कि जगत का सारे चीज मिलने पर भी उसमें सुख नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार दुख का घर है, संसार दुख का घर है, आंसू मिलेगी जब ठाकुर जी की शरण में जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इसलिए कथा को अच्छे तरह सुनना और मेरे बात में तो एक व्यक्ति आप ना दस कम से कम नए नए 10 व्यक्ति को मुक्त होना है कथा सुना करके, ठीक है याद रहेगा, कितने कितने भक्तों को भक्त होना होगा, हाँ 10 तो बनाना है ये, और वो 70 ज्यादा बनाना, ठीक है ज्यादा बनाना। इसलिए आपका अड़ोस पड़ोस जो है ना जो हैगा उसको कोशिश करना, उसको भी प्रचार करने के लिए, ठीक है उनको भी प्रचार करने के लिए। इसलिए हम तो दुख को सुख चाहते हैं, पर सुख नहीं मिलती तो दुख क्यों मिलता है, क्यों मिलता है बोलो,
क्योंकि संसार की जितनी भी विषय या वस्तुएं हैं वो सब लिमिटेड हैं, और उसके एक समय के बाद उनका जो आस्वादन है वो हमारे लिए ख़त्म हो जाता है, और भगवान जो है वो मतलब परमानंद है, तो वहीं से हमें सुख प्राप्त हो सकता है। संसार की वस्तुएं एक मतलब सीमित हैं। गुरु जी समझ गए क्यों हमें सुख नहीं मिल कर दुख मिलता है। हमें जहाँ सुख मिलनी चाहिए हम वहाँ नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर सुख ढूंढते हैं। हम सुख कहाँ ढूंढते हैं, हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं। जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ सुख को नहीं ढूंढते हैं। हम सोचते हैं शादी इसी संसार में लिखाई पढ़ाई करके शादी जुटा करके दो चार बच्चे जन्म दे देंगे शायद हमें सुख मिल जाए, हम ये सोचते हैं। लेकिन संसार में सभी दुखी है, जब सभी दुख संसार में तब तुमको सुख कहाँ से दे, वो दे ही नहीं सकता। लेकिन कौन सुख दे सकता है, ठाकुर ही सुख मधु दे सकता है। हमारे जो तीसरा प्रश्न है, मैंने कल बताया कि जो चार चीज ये है ये जानवर और इंसान में कमन है, वो चार चीज क्या क्या चाहिए कौन बोलेगा हाथ उठा। देखो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, एक क्लास अगर आपने बढ़िया से सीख गए ना, आप किसी को भी कथा सुना सकते हो, किसी को भी आप कथा सुना सकते हो। फिर जानवर और इंसान में चार चीज कॉमन है, वो चार चीज क्या क्या है, हम भी भय रहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग उनसे भी ज्यादा हम गया भी थे। अब ये इसी चीज को मैंने प्रमाण करने के लिए मेरी कथा सुनाया था कि जो काम जिंदगी में हम चार ही काम, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। दिन में दो काम करते हैं, रात में दो काम करते हैं, चार काम करते हैं। लेकिन इन विषय में जिस काम को करके हम अपना जीवन को बड़े सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन जानवर इस काम से हमसे बहुत अड़वांस है। बताओ तो कैसे अड़वांस है, बोलो माता जी बोली बोलो। हाँ हाँ और क्या चीज है, तुमसे भी ज्यादा हम समर्थ हुआ, इसलिए तुम क्या, तुमने हमारे पैर क्यों मारा, तुम क्यों हमें रास्ते में इस तरीके से। और मैंने क्या बताया था, नींद नहीं आती जो काम करके अपना जीवन को बड़े सक्सेसफुल मानते हैं, कोई सक्सेसफुल लाइफ नहीं। मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताया, तो एक ही कारण है, तो एक कारण क्या है, भगवान का भजन। हम इसी जीवन में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और कोई भी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, केवल इंसान ही प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया, इसलिए बताया अगर हमने जीवन पा करके भजन नहीं किया, सारे संसार का काम कर दिया लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं किया, इसलिए भागवत ने बताया वो पूछ और सी कटे जाने वाले वो दो प्यार का वो जानवर, वो इंसान नहीं, वो जानवर ही है। और मैंने कल ये बताया था, आप लोगों ने सिद्धार्थ का नाम सुने हो, सुने हम लोग, देखो इनकी स्टोरी सुन लो, इस स्टोरी को आप याद रखना, आप इसको सुना सकते हैं। ये सिद्धार्थ ने जब जन्म लिया, जिनका नाम गौतम बुद्ध नाम पड़ा, जब उसने जन्म लिया, राजा का बेटा था,
हर पिता माता चाहते इसका भविष्य क्या है। हमने ज्योतिष को दिखाया मेरे बेटा का भविष्य क्या, ज्योतिष ने कहा सावधान ये बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल, जिस दिन ये बच्चे को तुम घर से बाहर निकालोगे वो घर में नहीं रहेगा, साधु बन जाएगा, राजा तो दुखी हो गया। एक ही बेटा जो राज सिंहासन को संभालने वाले वो कहता है घर से बाहर निकाल के साधु बन जाएगी, वो जन्म से वो बच्चे को पिता माता बाहर निकाल नहीं देते थे ये साधु नहीं बन जाए। लेकिन जब उसने बड़ा हुआ उसको यही से महसूस हुआ ये लोग हम घर से बाहर जाने नहीं देते। एक दिन उसने मचल गया अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो ये दुनिया को मेरे को कैसे पता चल गया दुनिया क्या है, भविष्य में राज्य शासन में करूंगा कैसे, इसलिए मैं तो बाहर जाना चाहता। पिताजी को तो पता है ज्योतिष ने बताया कि साधु बन जाएगा बाहर निकलते ही। उसने मंत्रियों को बोले देखो इसको साथ में ले जाओ और साथ में वापस ले आना। लेकिन उसने जब घर से पहला दिन प्यार बाहर बैठा एक बच्चा जन्म लिया था। अब देखना बच्चा जब जन्म लेता है वो बड़े जोर जोर से रोता है, वाह 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 बड़े जोर जोर से रोता है। बोले क्यों रोता है बताओ, कि बच्चा क्यों रहता है, इसलिए गर्भ में इतने कष्ट है टाटी पेशाब खून पी को उसको अंदर में रहना पड़ा, 9 महीना बिताना पड़ा, हिल डुल नहीं पाया, पेट इतने गर्मी है आज अगर रसगुल्ला खाओ तो कल पिस्टा बन करके निकल जाता है, पेट में इतनी गर्मी है, इतने गर्मी को अंदर में रहा। माताएं चटपटी चीज नमकीन मिर्च खाते हैं वो भी बच्चे को शरीर में कष्ट देता है, इसलिए वो रोता है मेरे को और ये दुख नहीं चाहिए और हम ये पेट में जाना नहीं चाहता हूँ, इतने कष्ट है हम क्यों रोते हैं बताओ, क्यों रोते हो, हमें रोना नहीं, रोना मतलब हम रोते हैं मतलब रोना चाहिए नहीं, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें रोना हम नहीं चाहते हैं, मतलब भैया का पेट में आना नहीं चाहते हैं। वो बड़ा जोर जोर से रो रहा था, इतने में पूछा भैया ये रो रहा है क्यों, बोले एक बेटा ने जन्म लिया इसलिए रो रहा है, बोले जब मैंने जन्म लिया था मैंने भी ऐसे रोया था, बोले सब रोते अगर बच्चा नहीं रोता है ना मेरे परिवार रोते बच्चा नहीं रहा मेरे परिवार रोते हैं इसके लिए क्यों, मेरे गुंगा बन जाता है इसलिए रोता है। फिर जब और थोड़ी दूर गया देखा एक व्यक्ति बड़ा बड़ा रोग से पीड़ित है, वो बड़ा रोग से पीड़ित बड़ा कष्ट उठा रहा है, पूछा भैया ये क्या है, बोले एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा है, बोले सबको क्या ऐसे बीमारी में पड़ना पड़ता है, बोले भैया जो कुछ हो जाए जो शरीर ना सप्त संधि जर जरम, इसमें इतने संधि है इतने एक अंगुल में कितने संधि अलग अलग, बोले शरीर है ना ये बीमारी का ढेर आ रही शरीर, ये सबको भले ही साइंस वैज्ञानिकों ने जितने नए नए मेडिसिन निकालते हैं आप देखना नई नई बीमारी सबको ये बीमारी भगतना पड़ता है। आगे गया देखा एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है और डंडा लेकर के बड़ी कष्ट से एक प्यार हाँ देखना बुढ़ापा में चलना कितने कष्ट होता है, बोले ये क्या है, बोले एक व्यक्ति ने बूढ़ा बन गया चल नहीं पा रहा, बोले हमें क्या बूढ़ा बनना पड़ेगा, बोले जितने चबन प्रास खा लो जितना जीव कर लो जितने सोने का भस्म खा लो डंडा लेना पड़ेगा तुम्हें, डंडा लेना पड़ेगा तुम्हें किसको नहीं छोड़ेगा। फिर और थोड़ी दूर गए देखा एक व्यक्ति शरीर छोड़ दिया उसको कंधे पर ले जाते राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गते है सब कोई बात झूठा, बोले भाई ये क्या है, बोले एक व्यक्ति शरीर छोड़ दिया उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, कहते क्या मेरे को एक दिन ऐसे ही जाना पड़ेगा, बोले सबको ऐसे जाना पड़ेगा सबको ऐसे जाना पड़ेगा। और थोड़ी दूर गया देखा एक व्यक्ति को चिता में जला रहे और डंडे बांस मार मार के सर फोड़ रहे थे, बोले ये क्या है, बोले एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया उसको जला रहे, कि क्या मेरे को भी यहीं पर ले आएंगे हमें मेरे को भी ऐसे चिता में जलाएंगे, बोले सबका अंतिम गति यही है भले जितना साल लग जाए एक दिन उसको यहीं आना पड़ेगा। और थोड़ी देर में देखा एक साधु मस्ती से वो मस्ती से साधु हरे कृष्णा 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 हरे हरे
उसको संसार में और आना ही नहीं पड़े, ये बुढ़ापा नहीं आए, व्याधि नहीं हो, मरे नहीं और जलाए नहीं और उसको ऊपर चल गए। बोले भैया ये सबसे बढ़िया रास्ता है, ज्योतिष ने बताया था ना, जब ये बच्चे को तुम बाहर निकालोगे ये बच्चा घर में नहीं रहेगा, जब उसको घर में ले आएगा सिद्धार्थ को बड़ा चिंता में पड़ गया, मेरे को भी बारम्बार जन्म लेना पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा, दुख कष्ट भोगना है। इसलिए भैया वो साधु जो काम कर रहा था सही करता था, इसलिए भैया मेरे को तो भगवान की भक्ति करनी, मैंने घर को त्याग दिया, उन्होंने त्याग दे करके उन्होंने ऐसे प्रभु की तपस्या की है, लास्ट में उनका नाम फिर गौतम बुद्ध नाम पड़ गया। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, बोले गलती क्या हो गई, उन्होंने कोई सदगुरु को आश्रय ग्रहण नहीं किया, नहीं करने के नाते वो अकेले अकेले बैठ करके ध्यान करने के लिए कोशिश की। लेकिन अगर जब तो गुरु जी की शरण तुम नहीं लेते हो फिर तुमको कहाँ से मिलेगा इस जगत में, देखना जो बीड़ी भुगते है ना उनका भी एक गुरु होता है, जो शराब पीता है उसका भी एक गुरु होता है, जो चोरी करता है उसका भी एक गुरु होता है, होता नहीं, जो गंदे से गंदे काम बगैर गुरु के जगत में कोई भी चीज बगैर गुरु के हम सीख नहीं सकते है। इसलिए भक्ति के लिए भी हमें कोई एक्सपर्ट गुरु चाहिए, इसलिए गुरु क्या है, लेकिन अपने आप बैठ गया तो उसका फिलोसफी जीरो, शून्य है, तो जीव शून्य से आया और बाद में जाकर के शून्य में लीन हो जाएगा। उनका फिलोसफी है ऋणम कृतम घृतम पीबे जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्म भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भविष्यति, मतलब है तो रिमी करके भी घी पी ले और अपना शरीर को स्वस्थ कर ले, मरने के बाद जलने के बाद राख बन जाएगा, कौन रिणी चुकाने नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो गुरु किया ही नहीं, इसलिए कोई हाँ इसलिए लास्ट में बोले शून्य से आए और शून्य से चल गए, इसलिए उनसे ये एक गलती, ये गलती उनसे हो गई है। इसलिए देखो उसने केवल एक बार ये दृश्य को देख करके ना उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उनने भगवान के भजन में उसने लटपड़े भगवान के भजन में, इसलिए हमें जीवन पा करके भगवान के भजन में हमें लग जानी चाहिए, समय को हम बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे अभी से क्या भजन करें, बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी से क्या भजन करेंगे, क्या हम मरते जा रहे हैं भजन करेंगे। भैया परीक्षित महाराज को तो पता था 7 दिन के अंतर में मरने वाले नहीं, हम क्या कोई बोल सकते है, हमने जो श्वास छोड़े दूसरा बार नहीं कहा, कोई बोल सकते हो किसको पास में ये जाए नहीं। इसलिए जिस समय भगवान राम ने रावण को मारे, अभी रावण गिरा पड़ा हुआ मरने वाला,
भगवान राम लक्ष्मण को भेज दिया, बोले लक्ष्मण ये रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, जाओ उससे कुछ उपदेश लेकर के आओ। तब लक्ष्मण गए, बोले भैया राम ने आपको पास में भेजे, हमें कुछ ज्ञान की बात उपदेश दो। बोले देख लक्ष्मण, जिंदगी में मैंने दो गलती कर दी, एक तू कभी दो गलती नहीं करना। बोले पहला गलती क्या भूल थी, मैं सोच रहा था जो नमकीन जो समुद्र है ना, इसको मैं पूरा मीठा बना दूं, मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था। रावण इतने प्रभावी था, इतने प्रभाव था, बोले इसको मैं मीठा बना सकता था, मीठा बना सकता था, मैंने सोचा कर ही लूंगा, क्यों चिंता करते हैं। दूसरी इच्छा थी, सारा दुनिया चाहते हैं हम स्वर्ग जाना, मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए मैं सीढ़ी बना दूं, मेरे लिए कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, मैं बना ही देता, लेकिन सोचा बना ही दूंगा। अगर ये दो चीजें अगर मैं इससे बन जाता है ना, बस अपने आप मेरे को मुक्ति मिल जाती। बोले क्यों, समुद्र पानी तीन भाग, एक भाग स्थल है लेकिन वो किसका प्यास नहीं बुझा सकते, नमकीन पानी है ना जिसको प्यास नहीं बुझा सकता है। अगर उसको मैं मीठा बना देता ना, जो पानी पीता बोलता भैया इसको मीठा किसने बनाया, बोले रावण ने बनाया। दुनिया स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर कोई सीढ़ी बना देता ना स्वर्ग चले जाते, बोलते भैया सीढ़ी बनाया किसने, रावण ने, पता अपने आप स्वर्ग हो जाता। लेकिन मेरे से दो गलती हो गया लक्ष्मण, जो अच्छे काम है ना उसके लिए कभी देर नहीं रहनी, कहते ना कल कर सो आज, आज कर सो अब, उसके बाद में। लेकिन हम क्या बोलते हैं ना, उल्टा, आज कर सो कल करो, कल कर सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करते हो पढ़ा रहा है हमको, गंदा काम होना बताया उसको पीछे रख लो, थोड़ी इसके लिए वेट करो, अगर अच्छा कोई काम होता है उसको जल्दी करो, गंदा काम हो सकता है वो टल सकती है, टल सकती है। इसलिए भगवान की भक्ति सबसे जल्दी जल्दी प्रभु की भक्ति हमें कर दी जाए। हाँ देखो मैंने कल बताया था कि जगत में जन्म लेने पर हर व्यक्ति को सात दुख उसको भोगना पड़े, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं इसको अभाव कर सकता है, निगलेक्ट कर सकता, उसको सात तरह का दुख कष्ट उसको भुगतना पड़ेगा ही। जगत में अमित से लेकर के भक्ति तक किसी को ये सात तरह का दुख किसी को भी नहीं पड़ेगा। एक एक व्यक्ति एक बता, कौन क्या बोलेगा, एक एक बोलो बताओ, कितना आता है बुढ़ापा, सबको बुढ़ा बनना ही पड़ेगा, कोई ये नहीं बोल सकता एक दिन में बुढ़ापा नहीं, और बुढ़ापा जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, उस समय पूरा परिवार उसको फुसकारते हैं, और ज्यादा आदमी अगर लेट गया तो ये कब मरेगा, मरने के लिए गया डाक देते हैं, व्रत रखते हैं मर जाए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मरे ये मर नहीं रहा, इसलिए जीवन में बड़ा दुख है। दूसरा दुख क्या, सबको मरना पड़ेगा ही। अब बताओ तो हम मरने के लिए क्यों डरते हैं, कौन बोलेगा, हम मरने के लिए क्यों डरते, कारण क्या डरने का, इसलिए मरते समय 10,000 बिच्छू काटने पर जो यंत्रणा वो यंत्रणा होता है, और ये जन्म जन्मांतर का हमारे हृदय में भावना पड़ी हुई, जो जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मरते, इसलिए हम मरने का नाम सुनते घबरा उठते नहीं, बोले हम मरना नहीं चाहते। और क्या कहते बीमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार, और तीन क्या है, और तीन क्या क्या है, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये बताओ आध्यात्मिक दुख किसको कहते हैं, कौन बोले आध्यात्मिक दुख किसको कहते हैं, कौन बोले हाथ उठाओ आध्यात्मिक दुख किसको कहते हैं, बोला बोलो, तो कोई नहीं बोल सकता आध्यात्मिक दुख। हाँ जो दुख है वो शरीर और मन से जो दुख होता है इसको आध्यात्मिक दुख, ऐसे कोई नहीं बोल सकता है
हमें मानसिक दुख नहीं है, इसलिए सारे बीमारी का दवा, लेकिन ये बीमारी का कोई दवा नहीं, ये मानसिक बीमारी नहीं है। और सब कहे एक विषय पर नहीं, कोई दर से मानसिक दुख है, कोई बीवी से मानसिक कष्ट है, कोई बच्चे से मानसिक कष्ट, कोई पैसा से मानसिक कष्ट, कोई परिवार से मानसिक कष्ट, सबको असर है, कोई बोल ही नहीं सकता ये दूसरा में नहीं। दूसरा क्या है, आध्यात्मिक मतलब क्या है, कभी ये चेतनाओं से जो होता है, कभी इसको ऊपर में किसी का कंट्रोल नहीं। जैसे अभी ओले गिरे, बहुत सारी खेती नष्ट हो गई, बारिश से असर नहीं हुआ, खेती को बड़ा हानि होता है, जैसा आंधी तूफान आ गए, सुनामी आ गया, भूचाल आ गए, फ्लो आ गया है, इसलिए इसको ऊपर किसी कंट्रोल नहीं, ये किसी कंट्रोल इसको ऊपर में नहीं है। और एक है आदि भौतिक, मतलब एक जीव से एक जीव को जो कष्ट होता है, इसलिए जगत में जन्म लेने पर सात तरह का सुख उसको भोगना पड़ेगा पड़ेगा। लेकिन हम कहते भैया साइंस ने बड़ा आधार से किया, साइंस ने बड़ा आधार से किया, कहिए दो तलवार की चाकू है, एक तरफ में जितने बढ़िया, दूसरे तरफ जितना हानि, उतना हानि है। इसलिए हर आप हर चीज में ये चीज को देख सकते हैं। और लास्ट में भैया साइंस कहता है खूब भोग कर, जब तक गए तब तक भोग करते रहो, लेकिन हम भोग नहीं कर सकते, क्यों, इंद्रिया लिमिटेड है, इंद्रिया हमारे लिमिटेड, ज्यादा करने के लिए जाओ मरो। इसलिए मैंने कल बताया था पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां, क्या क्या है, ठीक है। अब हमें ये बताओ ये कानों के द्वारा कौन मरता है, कान में आसक्ति होकर कौन मरता है, हाँ हिरण मरता है, और स्पर्श इंद्रियों के द्वारा हाथी, और जीभ से मछली, नासिका से, और आंखों से कौन मरता है, इसलिए कहते इंद्रिय सुख से कर, ये एक एक इंद्रिय सुख से प्राण देते हैं, लेकिन भगवान है ना एक इंसान ऐसे जीव है, हम एक साथ पांच इंद्रियों को तरह एक विषय भोगना चाहते हैं, आंखों से उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज, कान से कोई मीठा मिर्ची, जीवा से चटपट चीज है, नासिका से सुगंधी है, इसलिए हम एक साथ में ना ये पांच इंद्रियों को तरह इस संसार का विषय भोग करते हैं, इसलिए इतने बुरी तरह से हम फंसते हैं संसार के चक्कर में, कैसे फंसते हैं, फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर जीवन में तुम परम शांति, अगर परम सुख पाना चाहते हो अर्जुन, तो मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में ही तेरे को परम शांति और परम सुख और मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्ति होगी, ठीक है। और भगवान को कलयुग में पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, ठाकुर जी की नाम जप करना, ठाकुर जी की नाम जप करना, कलयुग में भगवान अपना नाम रूप में आए। एक बार हाथ उठा करके सबके साथ बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अभी हम लोग सुनेंगे डज डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, क्या भगवान है क्या, अभी ये चीज अच्छा तरह से सुनो। देखो अब जो ज्यादा लिखा पढ़ा सीखते हैं ना, ज्यादा अब विशेष करके जो ज्यादा साइंस लेकर पढ़ते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, कभी बहुत ज्यादा नास्तिक बन जाते हैं, बहुत ज्यादा भौतिकवादी बन जाते हैं, विशेष करके इसी स्कूल में ऐसे तीन फिलोसफी कॉलेज में पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे नास्तिक बन जाते हैं। जान दो वो तीन फिलोसफी क्या है, पहला फिलोसफी है ये डार्विन का जो थियोरी कल जो मैं बता रहा था,
डार्विन ने बताया पहले हम बंदर थे, हैं? ये बंदर का पूंछ कटते 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 जब खत्म हो गया तो क्या हो गया? अरे ये इंसान हो गया। ये एक बहुत बड़ा थ्योरी। ये डार्विन ने क्या किया, एक गरिला का खोपड़ लिया, एक बंदर का खोपड़ लिया, ले करके वो दोनों खोपड़ी को उसने मिलाया, मिला करके, क्योंकि तू मरने से पहले ये बता कर गया, ये गवर्नमेंट मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तुम ये को स्थापन कर दो, हाँ, प्रूव करके दिखा दो कि बंदर से इंसान लेवल क्यों, इसलिए लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, इसलिए गरीला और बंदर का खोपड़ी मिला कर उसने दिखाया अल्लोह से बिल्कुल बन गया। लेकिन मरने से ही बात उसने बोल कर गई। एक समय साइंटिस्ट ने बंदर का जो ब्रेन, उनने कोशिश किया इंसान का ब्रेन में लगाने, जब लगाया ना वो बंदर जैसे छलांग लगा था ना, इंसान भी छलांग लग गया। क्यों? उसको दिमाग में जैसे उसको ही तो दिमाग में आया, मतलब उसका एक चीज भी इंसान का शरीर में कोई फिट नहीं कर सकते, एक भी चीज नहीं फिट कर सकते है। अभी प्रश्न है, बंदर का पूंछ कटते 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 आ गया इंसान में, लेकिन जो बीच का भाग कहाँ गया? कटते 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 तो कट गया, लेकिन बीच का कहाँ गया? सबके सब तो बीच कहाँ गया? वो भी तो रहनी चाहिए। इसलिए हम कोई बंदर से हम लोगों ने कोई भी नहीं हुए, हम हुए भगवान से, हम हुए भगवान से। इसलिए कल भी बता रहा था ना, भगवान का पिक्चर देखो, भगवान राम का, कृष्ण का, स्वर्ग देखो तुम्हारा चेहरा देखो, मिलता कि नहीं? उनका जैसे नाक, उनके जैसे आँख, उनका जैसे मुंह, उनका जैसे हाथ है, बंदर को साथ में मिलेगा तुम्हें कोई चीज को मिला दो, बंदर का हाथ से मिलेगा ना, चेहरा से मिलेगा ना, मुंह से मिलेगा, कोई मिलेगा बंदर को नहीं, कोई चीज भी बंदर को साथ में हमारी नहीं मिलेगी। मिलेगी था हमारा चेहरा भगवान को साथ में, हमारी चेहरा मिलता है। इसलिए हम बंदर से तो कोई नहीं हुए, हम किससे हुए? हम भगवान से। निकल विषय ये एक थियोरी। दूसरा थियोरी है कि जो जो आत्मा है ना, वो आत्मा भात्मा कुछ नहीं है, कभी ये शरीर एक मशीन है, ये अपने आप ये शरीर चल रहा है, ये आत्मा भात्मा कुछ है नहीं, और ये शरीर अपने आप चल रहा है आत्मा के बगैर। इसलिए कल हम इसी सब्जेक्ट को सुनेंगे, हु आम आई, कल हम इसको सुनेंगे हैं। और उसका और एक थियोरी है बिग बैंग थियोरी, अब सुने होंगे। अब जो साइंस पढ़ी स्कूल में कहते ना कि पृथ्वी कैसे सृष्टि हुआ, पहले एक बास्ट बास्ट हो गई है, बम जैसे उसको हटा, हटते ही वो जितने ग्रह है सब अलग 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 हो गए, और ये पृथ्वी जो ठंडा हो गया बास्ट की पृथ्वी हो गई, उसका ये एक थियोरी है। जो तीन थियोरी कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, ये बच्चों को नास्तिक बना देता है, ये बच्चों को नास्तिक बना देता है। इसलिए इसलिए आज हम लोग सुनेंगे क्या भगवान है, क्या कि भगवान नहीं, ये करोड़ रुपया की एक क्वेश्चन है। आपको एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। कहते एक समय एक गांव में, गांव के बाहर में एक साधु रहते थे। एक दिन गांव वालों ने वो साधु को निमंत्रण दिया, बोले बाबा आप हमारे गांव में आओ और हमें कुछ ज्ञान की बात बताओ। बहुत बोलने पर वो साधु आया, आकर के जैसे आप लोग बैठे हैं ना, गांव के लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो उन्होंने प्रश्न करता है, क्या आप सबके सब भगवान को मानते हो? जो मानते हो हाथ उठा, जो मानते हो हाथ उठा, सबके सब हाथ उठाए, बोले हम सबके सब ठाकुर जी को मानते हो। वो संत ने कहा, भैया अगर तुम भगवान को मानते हो फिर मेरे को यहाँ बुलाया तुम, तुम तो ऑलरेडी प्रभु को मान ही रहे, हमें बुलाने का कोई मतलब? वो साधु चले, ग्राम पास तो दुखी हो गए, हमने गलती कर दिया हाथ उठा कर, बोले देखो तेरे बाबा को कल हम बुलाए, लेकिन याद रखना कोई हाथ नहीं उठा। अभी दूसरे दिन वो साधु को फिर प्रार्थना की, वो फिर साधु आए, जब साधु आए फिर उन्होंने एक ही प्रश्न किया, क्या आप सभी भगवान को मानते हो? लेकिन पहले गांव वाले बोलते हैं कोई हाथ नहीं उठा, तो बाबा चले जाए। दूसरे दिन आए, जो भगवान को मानते हो हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा। साधु ने कहा, जब तुम भगवान को मानते नहीं, मेरे को बुलाने का कोई मतलब? फिर वो साधु चले गए। जब चले गए गांव वाले दुखी हो गए, इतने कष्ट से बुलाया, फिर बाबा चले गए, बोले देखो कल फिर बुलाएंगे, लेकिन एक काम करिए
आधा तो हाथ में ना रो आधा हाथ में। बहुत कष्ट से फिर बाबा को निमंत्रण करे, बाबा एक बार आओ, बाबा एक बार आओ, हमको ज्ञान की बात बताओ। फिर बाबा आए, फिर एक ही प्रश्न, क्या तुम सब भगवान को मानते हो? वो पहले से डिसाइड किया था, आधा उठाएंगे और आधा नहीं उठाएंगे, और आधा उठाया और आधा नहीं उठाया। बाबा ने कहा जिन लोगों ने हाथ उठाया और भगवान को मानते हो, जो नहीं उठाया नहीं मानते, जो हाथ उठाने वाले ना वो हाथ नहीं उठाने वाले को समझा जाओ। चले गए। देखो ये जो कथा है ना, ये जो कथा है, अगर हम भी ऐसे करेंगे, अगर कोई साधु आकर के पूछे हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि नहीं, हम भी ऐसे करेंगे। इसका मतलब है यद्यपि हम भगवान को मानते हैं, सबके सब मानते हैं, लेकिन मानने पर ना हमारा हृदय कुछ शंका है, क्या सचमुच से भगवान है क्या कि नहीं है, भगवान है क्या नहीं है। आधा जैसे आधा उठाए आधा नहीं उठाए, मतलब कभी तो मानते हैं और कभी नहीं मानते हैं। इसलिए एक प्रश्न है, हम कैसे प्रूव करेंगे भगवान उनके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कल आपको कथा में दो कहानी सुनाया था, क्या क्या सुनाया था याद है किसको? अकबर बीरबल, किसको याद है, कौन बोल पाएगा, कौन बोलेगा? आपका पीछे जो माता जी उनको बोल बताओ तो क्या आपने बताया? अरे तुम नहीं बोल, दो प्रश्न क्या क्या दो प्रश्न भगवान है तो क्या कहा है, अगर भगवान है तो क्या कर रहे हैं, ये दो प्रश्न। दूसरे दिन जब वो दरबार में गए तो अपने बेटे को ले गए, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, तो उसके बेटे ने प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान है तो कहाँ है। तो बेटे ने कहा कि अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, दूध मंगाया था उन्होंने, तो ही है, तो बोले कहाँ है बताओ, कच्ची दूध, तो बोले थे ये क्या बात हुई, दूध को तुम मथोगे, घी गरम करोगे, जमाओगे, मथोगे, अब उसमें घी निकलेगा। उन्होंने पूछा बच्चे ने राजा से की बताइए इसमें घी है, तो राजा बोला की इसमें, अरे बड़ा मूर्ख है, इसमें घी कहाँ से हो गया, घी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि इसको गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, तो मक्खन निकलेगा, मक्खन निकालने के बाद ही उसमें से घी निकलेगा। तो अभी कहाँ से निकलेगा? हाँ बिल्कुल इसी तरीके से कि पहले अपने मन को साधना पड़ेगा, भगवान मुझे चिंतन करना पड़ेगा, भजन पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम परम पिता के थोड़े नजदीक आ पाएंगे, उनको कुछ समझ पाएंगे। दूसरा प्रश्न था कि क्या भगवान क्या कर रहा है, तो बच्चे ने कहा कि इसका भी उत्तर मैं अभी आपको देता हूँ, पहले ये बताइए कि आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो आप कौन हुए और मैं कौन हुआ? जो प्रश्न करता है वो होता है शिष्य, और जो उत्तर देता है वो होता है गुरु। तो बताइए आप बैठे शिष्य, आप बैठे सिंहासन पर, और मैं हूँ
बात करूँ और मैं नीचे खड़ा होकर कर दे रहा हूँ, पहले तो मुझे गुरु की जगह पे बैठाइए। तो राजा गुरु उतर के आए सिंहासन से, बड़े ठीक है आप आ जाओ यहाँ पर, मैं आऊँ। आप नीचे खड़े होकर प्रश्न करते हैं, हाँ अब बताओ कि भगवान क्या कर रहा है, कि भगवान यही कर रहा है, मैं रंग हूँ, मैं राजा की सिंहासन में बैठा हूँ और आप राजा होकर के रंग की जगह पर खड़े हैं, तो भगवान राजा से रंग और रंग को राजा बना। फिर मैंने दूसरी कथा न्यूटन का एक कथा सुना, जिसको याद है न्यूटन की कथा, कौन बोलेगा हाथ उठा से। और मैंने न्यूटन का कथा सुना, अब तो कथा तो है हो कथा में, कौन कौन थे कथा में, कौन सुनाएगा बोलो, चल क्या सुना हफ्ते कथा में, जब तक तो काम से क्या कर अभी जी रहे हफ्ते, और कौन सा कौन था बताओ, मैं न्यूटन की कथा सुनाई बता, किसको याद नहीं है, लगता है कथा में कोई नहीं बैठते हो, तो कथा में बैठ गए तुम लोग, इंटरनेट से सुन रहे थे वो हाथ उठा रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे थे वो हाथ उठा रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे थे ऑनलाइन फेसबुक पर सुन रहे थे वो हाथ उठा रहे हैं, हां फेसबुक पर सुनी थी, फेसबुक पर सुन रहे थे, हां वो बताएंगे, हां बता, हां वही बात उन्होंने बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो बहुत बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन को मानी जाती है, इसलिए उनको न्यूटन सर आप कह सकते हैं, न्यूटन सर कहते हैं, इसलिए उन्होंने वो जो रिसर्च करता था उसको ऐसे कुछ अनुभूति होता था, कभी उसको दिमाग पहुंचता है, वो समझ लिया जरूर कोई है जगत में जिसने ये दुनिया को बनाया है, जरूर ये दुनिया, लेकिन उसका जो दोस्त था बोले नहीं ये तो अपने आप दुनिया बन गई, ये प्रकृति से अपने आप दुनिया बन गया है, इसको पीछे कोई है नहीं, वो अपने आप सारा दुनिया चल रहा है, इसलिए न्यूटन ने क्या किया, सब दोस्तों घर में निमंत्रण दिया और उसने टेबल ऊपर में सोलर सिस्टम बनाया, कौन सा कहाँ पर कौन सा ग्रह कैसे कैसे स्थित है, कैसे दुनिया घूम रहा है, कैसे दुनिया चल रहा है, बड़ा सुंदर बढ़िया बनाया। जब उनको सारे दोस्त लोग आए चारों तरफ, सब साइंटिस्ट लोग देख रहे खड़े हो गए और देख देख रहे आश्चर्य हो रहे थे, वो दोस्त ने पूछा न्यूटन को इसने किसने बनाया, बोले किसने बनाया नहीं वो अपने आप बनाया, बोले अपने आप कोई चीज थोड़ी बन सकते हैं, जरूर तो कोई चीज तो कोई बनाते है ना, अपने आप तो कोई चीज बनती नहीं है, कोई चीज बनती नहीं, बोले नहीं होता अपने आप बना है या अपने आप बना, बोले नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो इसको बनाया होगा, बिना बनाए कैसे बन सकती है, बोले मैं तेरे को इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, तेरे को हम इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, एक छोटी सी चीज है अगर इसमें बनाया नहीं तो कभी बन ही नहीं सकता, और ये दुनिया जो चल रहा है भले ही हमको 5 मिनट उठने में देर हो जाए, सूर्य उठने में 5 मिनट देर करता है, ये चंद्रमा उदय होने में देर करता है, ये ग्रह चलने में देर करता है, कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो एकदम टाइम टाइम पर देखना है दुनिया, एक ऋतु के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे से अपनी आप देखना है सारी ऋतु आती है, और एक आश्चर्य चीज देखिएगा हर ऋतु में हर फूल नहीं होता है, हर ऋतु में हर फल नहीं होता है, सब्जी नहीं होती है, लेकिन अलग अल्अग ऋतु में अलग अलग फल फूल, बल्कि अगर आप बंधा गोभी अगर पूरा साल खाओ तो अच्छा लगेगा, आप सीजन के बाद में ना बंधा गोभी का निचा नहीं करता है रोज रोज, अगर भेंडी अगर 24 महीना 12 महीना होगा अच्छी नहीं लगेगी फूल को भी, हाँ आपको विरक्ति हो जाओगे आप लोग, इसलिए देखना हर ऋतु में अलग 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 फल है, अलग अलग सब्जी, अलग अलग फूल भी, एक ऋतु में हर फूल नहीं होता है, अलग अलग ऋतु में अलग अलग फूल है, क्यों भगवान ने ऐसे बनाया, नहीं
एक चीज खा खा कर क्या हो जाएगा, हम विरक्त हो जाएंगे। इसलिए हर ऋतु में अलग अलग चीज बनाए भगवान ने। जैसे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल इंटरनेट चलाते हैं, ये ऐसे चलता है, इसके लिए सैटेलाइट भेजा गया है, वो सब कंट्रोल करके देता है। एक साधारण तुमको मोबाइल चलाने के लिए सब करना पड़ता है, फोन करने के लिए। और ये दुनिया जो चल रहा है, हवा बह रही है, जगत में सृष्टि स्थिति सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है नहीं। इसलिए भगवान खुद कहते हैं, मत भयात पार्थिवा त्वयम सूर्य तपति मत भयात वर्षत इंद्र शरत इंद्र मृत्यु शरत मत भयात। भगवान कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरे आदेश पर हो रहा है। सूर्य जो उदय होता है मेरे आदेश पर, चंद्रमा जो उदय होता है मेरे आदेश पर, ये जो वायु बहती है मेरे आदेश पर, अग्नि में जो दाहिका शक्ति मेरे आदेश पर। इसलिए हम सुनते एक बात आए, भगवान की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं। हम बोलते ना भगवान की इच्छा के बगैर पता भी, कभी ये चीज को किसने स्थापित किया है, प्रहलाद महाराज ने। जब उसको पिताजी ने पूछा तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ, बोले खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है, बोले मेरे को तो दिख नहीं रहा। बोले पिताजी आपका आंख में ना काम क्रोध लोभ से भरा पड़ा हुआ, इन्हीं आंखों से प्रभु नहीं दिखती। भगवान को देखने के लिए आंखों में प्रेम रूपी अंजन तुम्हें लगाना पड़ेगा। राक्षस है ना शुरू नहीं दिख रहा था। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करते हैं, वो चार तरह का व्यक्ति नहीं करते। अर्जुन ने पूछा प्रभु चार तरह का व्यक्ति कौन जो तेरे भजन नहीं करते हैं। कृष्ण कहते हैं नाम दुष्कृत न बुरा, वो जो पापी बहुत जो पापी होगा तो मेरा भजन नहीं करेगा, क्योंकि पूर्व जन्म था उसने बहुत पाप करते करते आए। वो पापी कितने तरह का, बोले चार तरह का। पहला नंबर है दुष्कृति, जिसकी बड़े बुरे कर्म किया है। नरा प्रपदंते नराधमा, नरों में जो सबसे अधम है, गिरा हुआ है। बोले मायायाम अपरहित ज्ञाना, जिसकी माया ने सारी बुद्धि खराब कर चुकी है। और आसुर भवमास जो राक्षस है, भगवान के तरह आसुर भवमास अर्जुन ये मेरी भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए प्रहलाद ने कहा प्रभु तुम राक्षस हो, इसलिए तुम्हारी आंखें में दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे को तो दिख रहा है प्रभु बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं। बोले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ बाद में, तेरे को दिखाऊंगा। मुष्टि प्रहार किया तो नरसिंह फाड़ करके खंभे फाड़ करके ठाकुर जी प्रकट होंगे। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए भगवान है और इसकी इच्छा से ही ये सारा दुनिया प्रकट होता है। और एक चीज देखो, हम भगवान को कब मानते हैं, कभी कभी बोलते ना भगवान कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी मान लेते हैं। कब मानते हैं बता, जब जीवन में चाहता दुख हुआ, जब हमारा हाथ से बाहर चल गया। अभी हमारा हाथ का वसीबुल नहीं, किसको बेटा को ऐसे बीमारी हो गया जैसे मरने वाला बेटा, अभी मरने वाला, फिर क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं हाथ उठा दिया, डॉक्टर भैया मैं कुछ नहीं कर सकता है, फिर किसको बुलाते हैं, किसको बुलाओगे, उसको ही बुला। ठाकुर जी आप ही रख सकते हैं। देखो मैं अपना भैया की बात बोलता हूँ, मेरे जो बड़े भाई थे ना, अभी मरने का लायक हो गया, वो जिंदा नहीं रहे, वो डॉक्टर ने बोल दिया मर जाएगा। हमारे देश में एक नियम है, जब बोल देते मर जाएगा, जब बोल देते ना, फिर उनको ठाकुर जी शरण में दे देते हैं। तो उसको मेरे भैया को एक सूप का तरह सुला दिया, सुला करके पानी लिया ले करके, हमारा जो देश में जगन्नाथ जी ठाकुर जी जगन्नाथ, तब हमारे परिवार बोले उसको चार तरफ में पानी छिड़का कर, बोले ठाकुर जी ये बच्चे को आज हम आपको दे दें, ये बच्चा जब बड़ा होगा, हाँ वो छोटा था, जब बड़ा होगा हम इसको साधु बना देंगे, ये तुम्हारी सेवा में चल जाएंगे। जब उन्होंने समर्पित कर दिया, अरे बच्चा मरा नहीं, बच्चा नहीं मरा। और हमारे पांच भाई थे, पांच भाई भी वो सबसे ज्यादा होनहार बने, बड़ा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बड़े सुंदर मूर्ति बनाते हैं, बड़े सुंदर पेंटिंग करते हैं। हमारे सारे भाइयों में सबसे बढ़िया वो बने, पूरा परिवार को उसने चलाया, सबसे होनहार बने हमारे बड़ा भाई का। हम कथा सुनाता हूँ, इसलिए भगवान में इतनी शक्ति, एक नहीं
जिसको डरते हैं इसलिए भगवान गीता में कहते जो काल है मेरे आदेश पर ये काम करता है, है? काल का काल कौन है? भगवान है, ठाकुर जी है। इसलिए आप देखना तो ज्यादा विपत्ति में पड़ जाए ना फिर हम क्या करते हैं ठाकुर जी आप ही रक्षा कर सकते हो और हम कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसलिए भगवान है ठाकुर जी है ठाकुर जी है। जैसे एक उदाहरण दिया जैसे कि मकान है, अगर किसको पूछे भैया ये मकान कैसे बना कोई बोलेगा नहीं ये अपने आप बन गया, ये मकान अपने आप बन गया। जैसे मालिक को पूछो पहले कोई इंजीनियर लाए प्लानिंग बनाया होंगे कोई सीमेंट लाया होगा कोई ईट लाया होगा कोई सरिया लाया होगा और घर को बनने के लिए पता नहीं 2-3 साल लगा होगा है। अगर कोई बोलेगा भैया ये घर चलता है कैसे बोले नहीं अपने आप चलता है, लेकिन परिवार को पूछ लो कैसे चलता है उसमें 2-3 व्यक्ति दिन भर परिश्रम करते हैं उनका जो पत्नी दिन भर घर को साफ सुथरा करती है तब भी 4-5 लोग छोटी सी घर को चलाने के लिए 4-5 नाकदम हो जाते हैं उनको परेशानी हो गई होगी है कैसे ही छोटी सी घर बना। एक छोटी सी घर बनाने के लिए अगर बगर बनाए बना नहीं बगर चलाए चलती नहीं फिर दुनिया की अपने आप चल रहा है घर दुनिया दुनिया की अपने आप चल रहा है नहीं। जैसे भारत है इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। राष्ट्रपति कौन है? और देखना यहाँ पर भी कोई पुलिस खांडी होगा अगर कोई किसको दिक्कत हो जाकर वहाँ कंप्लेन करते हैं यहाँ का भी कोई एक मंत्री होगा है जैसे हमारे योगी है तब भी जा करके ये देश किसी तरह से चलते हैं तभी तो ना कितने लोग देश में लगे हुए तभी जा करके ये देश किसी तरह से चलते जैसे लाइन में हम जाते हैं रोड क्या वही चलता है नहीं नियम है बाप तरफ भी जाम है पुलिस खड़ा हुआ होता है जब ट्रैफिक जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पुलिस खड़ा हुआ होता है। अगर पुलिस अगर अभी एक दिन स्ट्राइक की पॉलिसी करते हैं ना स्ट्राइक एक दिन पॉलिसी करते हैं बताओ ये दुनिया चल सकता है? देखते ना आपस में मारपीट करके मर जाएंगे ये सब मर जाएंगे लोग हैं। इसलिए सारा दुनिया को पैसे कोई चीज नहीं चल रहा है सबका पीछे कोई कोई है तभी दुनिया चल रहा है। एक दो चीज समझाते हैं अब से मैं एक प्रश्न करता हूँ आप पहले बताओ पहले बीज आया ना पहले पेड़ आया कौन बोलेगा मेरे का हाथ उठा पहले बीज आया ना पहले पेड़ आया हाथ उठा कौन बोलेगा पेड़ पहले आया ना वो पेड़ आया कहाँ से बीज से आया फिर वो बीज कहाँ से आया है क्या इसका कोई उत्तर नहीं है। जैसे मुर्गी मुर्गी ना मुर्गा पहले मुर्गी आया ना पहले अंडा आया बताओ तो पहले अंडा आया ना पहले मुर्गी आई मुर्गी पहले आई फिर अंडा आएगी ना तो मुर्गी आया कहाँ अगर ये चीज को ना मैं ये लज्जी की चीज को समझाना चाहते हैं ये इसका कोई आंसर नहीं है इसका कोई आंसर नहीं इसलिए पहले मुर्गी भी नहीं थी पहले अंडा भी नहीं था पहले पेड़ भी नहीं था पहले बीज भी नहीं था। भगवान सर्वप्रथम ये भागवत में कहती है जो अक्षत बीज आएगी ना 18 तारीख को भगवान ने ये दुनिया को उसी दिन ही भगवान ने ये दुनिया को बनाई शास्त्र में आता है। इसलिए आप देखते होंगे अक्षत तृतीया दी सबके सब हमारे भारतीय सभ्यता है सबके सब ठाकुर जी घर में कुंज में पानी भर कर देते हैं सत्तू देते हैं फल मूल दे करके हर मंदिर मंदिर में अक्षय तृतीया का दिन देते हैं क्यों देते हैं इसी दिन ही ठाकुर ने ये दुनिया को उन्होंने सृष्टि किया हमारी सृष्टि अक्षय है इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है ठाकुर जी आप ही हमारे लिए गेहूं का पेड़ बोए धान लगाए हो पानी दिया फल फूल आप ही कृपा करके दिए इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में उस दिन सत्य समझा करके मंदिर में ये चीज को देते हैं है? और एक चीज समझाए जैसे अगर आपको बोले कि भैया आपका पिताजी का नाम क्या आपका पिताजी का नाम क्या
श्री राजवीर सिंह, उनको पिताजी का नाम क्या? श्री भूप सिंह। उनको पिताजी का नाम क्या पता नहीं। अब देखना, अगर ऐसे ऐसे करते 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 अगर जब लास्ट में जाओगे ना, वो लास्ट में जाएगा वो पितामह ब्रह्मा जी के पास में जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का पिताजी हम भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मनु। कल बता रहा था मनु महाराज को, सबसे पहले उनने मनु महाराज को सृष्टि किया, फिर मनु महाराज ने फिर उनको जो 10 बेटे हुए, अत्रि वशिष्ठ आदि हुए, और एक एक ऋषि से ही हम लोग आए। इसलिए कल मैं बोल रहा था ना, सभी का सबका एक एक गोत्र है, सबका एक एक गोत्र है। क्या गोत्र तुम्हारी? कश्यप कुमारी, कश्यप कुमारी भारत। इसलिए हमारे भारत में सभी का एक एक गोत्र। ऋषि गोत्र आया कहाँ से? ये हमारे पूर्वजों से आया है। जिस ऋषि से हम आए हैं वो ऋषि की हम अपना गोत्र कहते हैं। भारत में ऋषि गोत्र होता है क्योंकि उसी ऋषि से ही हम लोग आए। इसलिए हम लोग कहाँ से आए हैं? हम सत्य से भगवान से आए, ऐसे नहीं आए। देखो अभी ये साइंस क्या बोलता है, जो चीज हम देखेंगे नहीं वो चीज कैसे मालूम? ये साइंस का बहुत बड़ी चीज है, कहते जो चीज हम देखेंगे वही चीज ही मानेंगे, देखे बगैर हम कोई चीज नहीं मानेंगे, साइंस कहता है। देखो ये चीज को अच्छे तरह समझ लो, कहते जगत में प्रमाण 9 तरह का प्रमाण है, लेकिन 9 प्रमाण में 3 प्रमाण को विशेष करके ग्रहण कर दिया, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक अनुमान प्रमाण और एक शब्द प्रमाण। इस चीज को अच्छे तरह समझो, ये 3 प्रमाण बताया गया। जो साइंस है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण समझते हो? जो चीज हम देखेंगे वही चीज को ही मानेंगे, देखे बगैर नहीं मानेंगे। ये आत्मा में जो चीज देखेंगे वही मानेंगे। इसमें कितना भूल, देखो कितने गलती है। आप देखना कभी कोई ध्यान घूमती है बड़ी तेजी से, अगर कोई ध्यान घूम रही है वो घूम रही है ऐसे ऐसे, लेकिन आपको ऐसे लगता है जैसे वो उल्टा घूम रही है, लगता है कि नहीं? उल्टा। क्या वो उल्टा घूम रही है? तो ये आंख हमें धोखा दी कि नहीं? ये आंख हमें धोखा दे दी कि नहीं? देख दी। आप जैसे रास्ता में आप चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, रास्ता में देखना गर्मी का समय पर रास्ता में दूर से वो ऐसे लगता है जैसे पानी पानी का दिखता है ना, लेकिन जब पास में जाते हो तो क्या पानी है? पानी नहीं। पर ये आंख तुम्हें धोखा दी कि नहीं? धोखा दे दी ना। जैसे कोई पहिया घूमती है, अगर बड़ी तेज से कोई पहिया घूमती है, देखना वो पहिया ऐसे ऐसे घूमती है, घूमते तो ऐसे ऐसे, लेकिन आपको लगेगा जैसे वो पहिया उल्टा घूम रही है। क्या वो उल्टा घूम रही थी? उल्टा नहीं। पर ये आंख हमें धोखा दी कि नहीं? ये आंख हमें धोखा दी। इसलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो साइंस, इसलिए आप पहले साइंस बोलता था ये पृथ्वी समतल, ये पृथ्वी को मानता था समतल समान, लेकिन गैलीलियो ने नहीं, इसको कोलंबस ने, उन्होंने जब समुद्र में गए नाव में घूमते घूमते गए, और जहां घूमते घूमते गए देखा घूमते वहीं पहुंच गए, फिर उसने स्थापन क्या नहीं, ये पृथ्वी समतल नहीं, पृथ्वी क्या है? भूगोल, भूगोल, ये पृथ्वी गोल। इसलिए पहले साइंस मानता था ये पृथ्वी समतल है, हैं? इसे विषय को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई, विषय के लिए बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई, लेकिन पहले से ही हमारा साइंस बोल दिया था नहीं ये पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। इसलिए कभी कभी देखना बच्चों का पुस्तक बदलती, बोले क्यों बदलती? एक साइंटिस्ट ने एक बात बताया और दूसरे साइंटिस्ट ने फिर उसने आगे उसको फिलोसफी को काट दिया, इसलिए पुस्तक बदलती है। लेकिन हमारी जो गीता रामायण भागवत कोई बदला है? गीता की कोई अक्षर बदली है? नहीं। भागवत का कोई रामायण का कोई अक्षर बदला? नहीं बदला, नहीं बदला है। इसलिए मतलब हमारा जो शास्त्र जो कहता है सही। देखो यहाँ पर एक चीज को समझाने की कोशिश किया, जैसे एक व्यक्ति जब जाता है ऑफिस में, देखना यहाँ पर वो सर पर जैसे टीका लगा कर जाता है, जैसे सिंदूर का बल्कि भैया जो काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारे बन जाए, मतलब भगवान को ही एक है जिसे जिसमें टीका लगा कर हम जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जैसे यज्ञ करते हैं, कोई एक साइंटिस्ट था उसने एक क्लिनिक खोला, जब क्लिनिक खोला उसका जो दोस्त था
वो जो अक्सर करके जो साइंस ज्यादा पढ़ते हैं ना वो भौतिकवादी ज्यादा हो जाता है। उसका दोस्त को बोलता था अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, दुनिया ऐसे चलता है। लेकिन वो जो वो अपना क्लिनिक ऑफिस खोलने के लिए गया, उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाया। उसको दोस्त ने पूछा तू यज्ञ क्यों करवा रहे हो, तो भगवान भगवान को मानता नहीं मेरी यज्ञ क्यों करवा रहे हो। बोले भैया इतने पैसा खर्चा करके जिंदगी में करोड़ रुपया खर्चा करके डॉक्टर बना और क्लिनिक खोलता हूँ, अगर चला तो चला नहीं तो यज्ञ करने में कितना 500,000 रुपया तो लगेगा ना, ज्यादा तो नहीं लगेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ मेरे काम हाँ जो क्लिनिक खोल रहा हूँ क्लिनिक हमारी चल जाए इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। मतलब उसका हृदय में ना कहीं भावना है, अगर नहीं चले तो चलाने वाले कौन है, ठाकुर जी ठाकुर जी। इसलिए एक काम को वो डर से करते हैं, अगर नहीं चले तो देखो यहाँ पर देखो कहते गैलीलियो का नाम सुने होंगे ना, उसने क्या किया था गैली उसने क्या किया था एडिसन ने बना गैलीलियो ने क्या किया था स्टीम इंजन गैलीलियो ने क्या किया था स्टीम इंजन हाँ टेलीस्कोप बनाया था। फिर टेलीस्कोप बनाने वाले कोई एक है, और ये फोन ने किसने किया था, फोन को किसने सृष्टि किया था, देखो ये नाम लिखा हुआ हाँ। और देखो ये ट्रेन को सबसे पहले किसने निकाला, ये ट्रेन को किसने निकाला, देखो यहाँ लिखा हुआ है किसने निकाला हाँ। और देखो ये जो बल्ब है इसको किसने सबसे पहले किसने निकाला, देखो देखना ट्रेन बल्ब इस जितने निकली है ना इसको कोई सृष्टि करने वाले है बनाने वाले, जब ये हर चीज को कोई बनाने वाले है ये दुनिया को फिर किसी ने बनाया दुनिया इसको इसको पृथ्वी का मैप दिया कैसे, ये दुनिया को भी कोई बनाने वाले एक होगा, जब हर चीज को कोई बनाने वाले है ये दुनिया को भी कोई बनाने वाला होगा। जैसे यहाँ पर ये जो प्रत्येक जो प्रमाण है देखो आप लोग तो साइंस पढ़े होंगे, देखना ये प्रत्यक्ष प्रमाण कितने गलत है। देखो एक ग्लास के अंदर में पानी है, एक पानी ग्लास के अंदर में जब उसको अंदर में कोई डंडा को डालते हो देखना वो डंडा कैसे दिखती है, टेढ़ा दिखती है, डंडा टेढ़ा दिखती है ना, क्या वो डंडा टेढ़ा है, वो यहाँ चला गया जैसे ग्लास के अंदर में एक डंडा डालते हैं, वो डंडा कैसे दिखता है, टेढ़ी दिखती है, क्या वो टेढ़ा है, नहीं, लेकिन हमें कैसे दिखती है, और टेढ़ा दिखती है। तो ये हमारी आंखों में धोखा है कि नहीं, जो साइंस कहता है जो देखेंगे वो चीज मानेंगे, फिर तो हम तो गलत दिख रहा है, ये गलत चीज है। देखो ये शीशा है, जैसे आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ आप देखना सब उल्टा दिखेगा, सीधा हाथ बाएं हाथ बाएं हाथ सीधा दिखेगा कि नहीं, क्या फिर हम बोलेंगे भैया जो देख रहे तो गलत दिख रहे ना सही दिख रहे हाँ। ये कहते जो प्रत्यक्ष जो साइंस कहता है हम जो देखेंगे वही चीज को माने को प्रूव कर रहे वो गलत है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो गलत है। यहाँ पर देखो हाँ इसको अच्छे तरह से देखो इसको इसको अच्छे तरह से देखो आप लोग, ये क्या है बताओ, कौन बोलेगा बताइए क्या है, ये क्या है अच्छे तरह से देखो क्या है,
एक बूढ़ी और एक बूढ़ा, मगर उसके अंदर भी और कुछ कुछ बना हुआ है गुरुदेव। आप देखो कि क्या दिखता दूर से, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी, लेकिन आप ठीक, हाँ अब ठीक से देखो क्या दिखता है। एक गिटार बजा रहा है पुरुष, अब देखो ठीक से देखो अच्छे तरह से, अच्छे तरह से साधारण रूप में क्या दिखता है, बूढ़ा बूढ़ी, अब ठीक से क्या दिखता है बताओ, कौन बोलेगा क्या है, अच्छे तरह से देखो। देखना एक व्यक्ति गिटार बजा रहा है और एक व्यक्ति बैठ के सुन रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एक गिटार बजाता है और एक व्यक्ति बैठ करके सुन रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। लेकिन आपको साधारण रूप में देखा है कि बूढ़ा और एक बूढ़ी, लेकिन सही सही रूप में देखो बूढ़ा बूढ़ी नहीं है, वो एक गिटार बजा रहा है और एक बैठ के सुन रहा है, देखिए नहीं, पास में एक लड़की खड़ी हुई, पास में एक बोतल है, पास में एक बोतल है, पास में एक लड़की पास में खड़ी हुई है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी दिख रहा है जी। देखो मतलब यहाँ जो कहते हैं ना, जो हम जो चीज देखेंगे वही तो मानेंगे, साइंस कहता है, मतलब इसमें कितने धोखे की चीज को दिखा रहा है, इसको देखो, इसको साइंटिफिकल रूप में समझाया, ये लगता है जैसे ना थोड़ी थोड़ी हिलता है, अब देखे ना ये लगता है थोड़ी थोड़ी, अब अच्छे तरह से देखो लगेगा जैसे ये थोड़ी थोड़ी हिलता है, लेकिन इसमें कोई चीज हिल नहीं रहा है, वो स्थिर है, लेकिन ये बनाया गया ऐसे चीज, ये आंखों की ऐसे धोखा है, वो लगता है जैसे कोई चीज हिल रहा है लेकिन हिल नहीं रहा है, वो सबसे सब एक स्थिर है। इसको भी देख लो, ये भी दिखेगा आपको जैसे ना ये जब जैसे इतना घूमता है, अगर ठीक से देखे लगा जैसे कभी घूमता है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है, वो स्थिर है, लेकिन लगता है जैसे कि थोड़ी थोड़ी घूमती है। देखो ये बीच में ये चीज है, ये भी लगेगा जैसे ये स्थिर है, लेकिन लगेगा जैसे थोड़ी थोड़ी कभी बीच बीच में ये करके घूमती है, अगर ठीक से इसको चीज को देखो। देखो एक बोलो, इसमें ये तीनों व्यक्ति खड़े हुए हैं, इसमें बड़े कौन छोटे कौन छोटे कौन, अब कैसे दिख रहा है, देखो ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर, लेकिन अब साधारण रूप में देखोगे जो ऊपर खड़ा हुआ उतना लंबा है, नीचे और थोड़ा छोटा और नीचे और थोड़ा छोटा, लेकिन ये तीनों बराबर, मतलब इसमें इसमें बहुत सारी चीज साइंटिफिकल रूप में समझाया, ये आंखों में हमारी कितने धोखा है, इसलिए एक साइंटिस्ट आकर के एक बात को बताता है, दूसरे साइंटिस्ट आया उसको काट देता है, न्यूटन को सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानी गई, लेकिन अभी लोग जो साइंटिस्ट आए ना उसकी फिलोसफी में बहुत गलत बता रहे हैं, उसने बहुत गलत बोल दिया बहुत, इसलिए बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलती है, उनकी पुस्तक बदलती, लेकिन हमारी जो साइंस गीता भागवत इससे कोई इसमें कोई चीज बदलती नहीं, कोई चीज बदलती नहीं। फिर दूसरे मतलब अनुमान प्रमाण, देखो अनुमान मतलब होता है जैसे हम कहते ना शायद ऐसे होगा, शायद वहां आग जल रही है, शायद ऐसे, तो उसमें भी गलत है, एक उदाहरण से समझाएगा, एक हाथी है, उसमें एक हाथी में एक दो तीन चार पांच छह व्यक्ति आए, इनको पकड़वाया हाथी को, छह अंधे हैं, अभी जो पूछ पकड़ लिया ना उसको पूछे भैया ये क्या है, बोले ये बहुत बड़ा के रस्सी है, जिसको पैर पकड़ लिया बोले ये क्या, बोले बहुत बड़ा खंभा है, बोले जिसको उसको शरीर को स्पर्श कर रहे बोले ये कोई दीवार होगा, जिसने उसका सूर को पकड़ लिया बोले कोई पाइप ही होगा, जो कान को पकड़ लिया बोले ये सूप होगा, है लेकिन ये अनुमान कर रहे, लेकिन सबके सब गलत है, सबके सब गलत है, जैसे कहीं आग जल रही, लेकिन अभी आग बुझ गई, आग अभी बुझ गई, लेकिन वो पहले आगे पानी डाल जब बुझ गई, लेकिन वहां से धुआं निकल रही है, लेकिन हम दूर से क्या सोचेंगे वहां पर आग है, लेकिन पास में जाकर देखो आग है नहीं, आग नहीं। अब जैसा जब ठंडा का समय ज्यादा होता है ना, देखना पानी के ऊपर में भी हवा आती है, पानी के ऊपर भाप आती है, भाप कब होता है, जब कोई चीज को जब गर्मी हो, कोई चीज जब जलती हो, वो भी इसलिए अब देखना जो आंखों है ना ये बहुत हमें धोखा देती है,
लेकिन तद सही प्रमाण क्या है, तद शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब ये जो हमारे भागवत बताया, जो हमारे गीता बताया, जो हमारे रामायण बताया, तो यही प्रमाण ही सही प्रमाण। क्यों बोले, ये ऋषि लोगों ने, उन लोगों ने प्रभु की भक्ति करते 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 ये माया से ऊपर उठे। इसलिए कहते हमारे इंद्रियों में चार दोष है। कितना दोष है? कहते भ्रम, प्रमाद, करना पाठक और विप्रलोभन। इसका मतलब है, भ्रम मतलब होता है जैसे रात को जा रहे हो, कोई रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई पैर में, सांप सांप करके चिल्ला उठा, बोल के सांप हो गया, लेकिन देखो वहां सांप है, सांप वहां पर है, सांप नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज है जो एक देख करके हमें दूसरा चीज अनुभूति, इसको कहते भ्रम देते हैं, इसको भ्रम। ऐसे ही हमारे इंद्रिय में चार दोष है हमारे इंद्रिय में, लेकिन संतों का हृदय नहीं। क्यों? वो प्रभु की भक्ति करते करते इंद्रिय संपूर्ण प्योर हो गया, इसलिए इनकी है इनको फिलोसफी में कोई गलत नहीं। आप बता दी क्या है, बोल क्या, आप दिख नहीं रहे, ये कंडा है, क्या है? कंडा है, मतलब है ये हमारी जो साइंस पहले का, अब देखना पहले हर घर में क्या करते, मिट्टी और गोबर से घर खोदते हैं, है ना, मिट्टी, और कोई होता है गोबर को, पानी को, गोमूत्र को छिड़काव कर देते, पवित्र के यही करते थे ना, लेकिन पहले से आती रह रही। लेकिन अभी ये साइंस जो रिसर्च करके गोबर और गोमूत्र से अभी ये दवा निकाली, और यही से दवा निकाल रहे हैं जो इतने अच्छे दवा आपको सारे शरीर की बीमारी को, ये तकनीक पहले हमारे पूर्वज लोग कही लगी कि सब काम करते हुए आ रहे। ये भूगोल भागवत में कथा आती है, अगल और भूगल, मतलब हमारा शास्त्र पहले से बोल दिया भूगोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन पहले साइंटिस्ट लोग नहीं पृथ्वी को समझ रहे, लेकिन अभी कलवर से निकाला नहीं पृथ्वी गोल, लेकिन पहले से हमारे शास्त्र को बोल चुका था। देखो ये वृक्ष है, ये साइंस मानता नहीं था वृक्ष में जीवन शक्ति है, लेकिन अभी साइंस से मान रहा है। ये कौन सा साइंस है, ये बंगाल का सुभाष बोस, हाँ जगदीश चंद्र बसु, उसने ये चीज को निकाला वृक्ष में जान है, लेकिन साइंस पहले नहीं मानता था, लेकिन हमारा शास्त्र पहले ही बोलता, पहले शास्त्र बोले वृक्ष में जान है, ये शास्त्र में। देखो ये जो देखो एक बच्चा है जब पेट में रहता है ना, जो पेट बच्चा रहता है उसका स्थिति किया, कल सुन रहे थे ना भगवान अपने माँ को बोलते थे कौन सा महीना में क्या क्या भावना आती है, कौन सा महीना में क्या क्या होता है। अभी साइंटिस्ट लोग इस चीज को रिसर्च करके थोड़ी निकाले, लेकिन हमारा शास्त्र पहले से ही डिटेल्स रूप में सारी बात को बता रहे क्या उसकी मन की स्थिति है। साइंस उसका मन की स्थिति नहीं बता पाएगी, लेकिन हमारा शास्त्र पहले मन की स्थिति क्या, क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये पहले से बता दिया है। हाँ देखो श्री चैतन्य महाप्रभु का फोटो है, ये चैतन्य महाप्रभु आएंगे, पहले हमारा शास्त्र में बोला है वो नवद्वीप में सच्ची माँ की गर्भ में जन्म ले करके ये हरि कीर्तन सर्वत्र प्रचार करेंगे, पहले ये हमारा शास्त्र पहले बोल चुका है। फिर ये गौतम बुद्ध है, ये आएंगे गौतम बुद्ध, ये भागवत में बताया गया गौतम बुद्ध कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ तपस्या करेंगे, ये पहले से बताया। ताकि देखो जी कौन है, चाणक्य है। आप भविष्य पुराण पढ़कर देखो, वहाँ पुराण कब से है, लेकिन वहां पर बताए ऐसे चाणक्य नाम का एक व्यक्ति आएगा, बड़ी बुद्धिमान तीव्र बुद्धि होगा, पहले से पहले बताया। ये कौन है, ये अशोक है, ये अशोक राजा हुए ना, ये हमारे पहले भविष्य पुराण पढ़कर देखो, ये राजा होकर क्या करेगा मैं करके वहां पर लिखा हूँ, ये भविष्य पुराण में ये सब सारी बात है। कभी ये कौन है, ये यीशु ख्रिस्त है, कभी ये आकर के ये धर्म को प्रचार करेगा जगत में, ये हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ, ये पहले से सारे शास्त्र में हमारी ये लिखा हुआ, सारे शास्त्र में सब चीज हुआ। इसलिए इसको तरह ये कह रहे हैं कि हमारे जो शास्त्र जो बताया है ना वो एकदम परफेक्ट सही चीज है, एकदम सही चीज है। इसलिए हमें हमारे रामायण भागवत गीता ये ग्रंथों को प्रधान विश्वास करनी
चाहिए। ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल हम सुनेंगे हु आम आई, मतलब हम इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे हम ये शरीर नहीं, हम कौन है, हम आत्मा, हमारा शरीर में आत्मा है, तभी ये शरीर हमारी काम करे। कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे, मतलब ये जो चीज जो बताए ना, अभी के जो बच्चे लोग जो ज्यादा लिखे पढ़े होते जा रहे हैं ना, वो ज्यादा नास्तिक होते जा रहे हैं, ज्यादा जितने लिखे पढ़े होते जा रहे हैं। पहले पहले लोग देखना सर्व सीधा गीता भागवत रामायण मानते थे, लेकिन अभी जितना जो पढ़ाई कर रहा है उतना नास्तिक, उतना उदंड और उतने भ्रष्टाचार और उतना ही गलत बने। लेकिन पहले लोग क्या होते थे, सरल सीधा है, गुरुजनों को मानना, सबको सम्मान देना, पहले लोग इसलिए क्लास है ना, इसको साइंटिफिक रूप में समझाने के लिए कोशिश किया भगवान को, ये है इच्छा से। इसलिए ये कथा को है ना, हमारे कुछ कुछ भक्त लोग है सारा दुनिया में, इसको प्रोजेक्ट के साथ में, प्रोजेक्ट के साथ में दिखा करके उनको समझा रहे। इसलिए बीच में ना यहाँ पर मदनवर बीच में मैं किसी भक्तों को यहाँ भेजूंगा, मैं किसी एक भक्तों को, लड़का बहुत अच्छे लिखा पड़ा लड़का है, वो इधर आ करके आपका घर में जो बच्चे है ना, आप लोग तो भक्ति में डले हुए हो, लेकिन अभी का जो थोड़ी सी ज्यादा लिखा पड़ा वो कर देते हैं, है? वो जो थोड़ा नास्तिक तरफ में चले जाते हैं, वो उन्हीं के लिए इस क्लास देता है, बहुत अच्छे तरीके प्रोजेक्ट को साथ में ये चीज समझाता है। इसलिए मैं वो बच्चा को मैं भेजूंगा, आप लोग अपना जितने बच्चे हैं ना सब बच्चों को भेजा, ठीक है ना, वो बच्चों को क्लास देता है, अलग क्लास देता है। आपको यहीं पर मैं मतलब कोई ये कापी लेकर जाना, लेकर जाना, उसमें सबका नाम को लिख करके, हाँ, परिवार के सब नाम को एड्रेस से लिख करके रखेंगे, और वो जो बच्चा आएगा मैं बोल दूंगा सारे बच्चों को, अपना घर के सब बच्चों को भेजो, ठीक है। और जो क्लास Govinda Govinda Gopal Jai Jai Govinda Govinda 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 J
Thank you.
Thank you.